जिस सोसाइटी से मैं बिलोंग करती हूँ उसमें सिर्फ यही था, या तो लड़कियाँ सिर्फ इंटर तक ही पढ़ाई करें और या मेडिकल में जाएं। मैंने कहा पापा मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं मेडिकल सही से नहीं कर पाऊँगी, मुझे बिजनेस लेवल में जाना है। जैसे मैं बीबीए कर रही थी सखर आईबीए में, मोस्टली पापा को कहते थे उसके फ्रेंड्स के कोई भी फ्यूचर नहीं होगा बीबीए के बाद, ना तो वो जॉब करेगी ना ही कुछ करेगी, इससे अच्छा कि वो बीकॉम करके घर में ही रहती या ट्यूशन ही पढ़ाती। एक दिन मेरे टीचर ने बताया कि मोनिका एक यूएसएड का मेरिट एंड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, तुम उसमें अप्लाई कर लो, उसमें ट्यूशन फीस भी फ्री है और स्टाइपेंड भी तुम्हें मिलेगा 30,000 प्लस। तो मैंने वो फॉर्म फिल किया, मुझे यूएसएड की स्कॉलरशिप मिली, पापा को बहुत खुशी हुई कि मैं खुद को खुद ही फाइनेंस कर रही हूँ। उसके बाद जब मैंने एमबीए में एडमिशन ली उसकी भी फीस मैंने खुद पे की, पापा फ्रेंड्स को फिर बताते थे कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा उसके, वो खुद ही खुद को सपोर्ट कर रही है। यूबीएल के लिए मैंने न्यूज़पेपर में देखा था, दो अप्लाई किया, उसके बाद आई गॉट कॉल कि यू हैव बीन सिलेक्टेड। अभी ऑपरेशन डिपार्टमेंट में हूँ मैं, रेमिटेंस का देख लेती हूँ, अकाउंट ओपनिंग का होता है, समटाइम्स क्लियरिंग का हो गया, और मैनेजर को फिर असिस्ट करती हूँ। अगर मैं अपनी सोसाइटी में एज अ लिटरेट गर्ल जानी जा रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स सपोर्ट, सखर आईबीए एंड यूएसएड स्कॉलरशिप प्रोग्राम, इन तीनों चीज़ों के अलावा मतलब कुछ भी नहीं हूँ मैं। जो मेरा सपना है अभी तक वो अचीव नहीं हुआ है। पहले अपनी कंट्री के लिए कुछ करूँगी, उसके बाद मैं यूएसए जाऊंगी, वहाँ से कुछ अचीव करूंगी। उसके लिए मुझे एक एक्सपीरियंस चाहिए था, दैट्स व्हाई मैं अपनी जॉब कर रही हूँ, उसके बाद मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी क्रिएट करूंगी।